हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेडिएशन, हीट ट्रांसफर बिटवीन ब्लैक सरफेस एंड अ ग्रे सरफेस। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन ब्लैक सरफेस एंड ग्रे सरफेस। ठीक है, इन दोनों के बीच का हम रेडिएशन हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लास्ट दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन ग्रे सर्फेसेस एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन ब्लैक सर्फेसेज। ठीक है, तो अब के बारे में क्या कर रहे हैं, एक हमारा सर्फेस ब्लैक है, दूसरा ग्रे है। ठीक है, तो मान लो अगर ये हमारे पास ब्लैक सर्फेस है और ये हमारे पास ग्रे सर्फेस है। ठीक है, नाउ जो ये ब्लैक सर्फेस है इसका हमको टेम्परेचर गिवन है T1 और इसका जो सर्फेस एरिया है वो हमको गिवन है A1। ठीक है, और जो हमारे पास ग्रे सर्फेस है उसका टेम्परेचर हमको गिवन है T2, MACVD भी गिवन है और हमें एरिया गिवन है A2। ठीक है, नाउ हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो ब्लैक सरफेस का टेम्परेचर है इज़ ग्रेटर देन ग्रे सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम ब्लैक सरफेस टू ग्रे सरफेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, सो नेटवर्क डायग्राम, नाउ देखो जो ब्लैक सरफेस होता है उसका नेटवर्क डायग्राम हमको पता है एक पॉइंट होता है ना, क्योंकि ब्लैक सरफेस का कोई सरफेस रेजिस्टेंस नहीं होता और हमारा जो EB होता है इज इक्वल टू होता है J1। J1 मतलब रेडियोसिटी के बराबर होता है और हम एरो पीछे की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, पॉइंट के पीछे की तरफ दिखाते हैं और उसमें लिखते हैं Q1। ठीक है, ना ये तो हमारा ब्लैक सरफेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रे सरफेस की। देखो ग्रे सरफेस की हमको एमिसिविटी गिवन है, तो इसका मतलब जो ग्रे सरफेस है उसका क्या होगा, हमारा सरफेस रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, सो दिस इज सरफेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ होगा हमारा EB2 और ये होगा J2। ठीक है, और एरो करके दिखाएंगे हम Q2। ठीक है, ना ब्लैक सरफेस और ग्रे सरफेस के बीच में हमारा क्या होगा, हमारा आएगा स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो दिस इज स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डायरेक्शन इसमें बनेगी Q1 2 2। ठीक है, सो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया। देखो नेटवर्क डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बनाना सीखो तो रेडिएशन का चैप्टर बहुत सिंपल होगा। ठीक है, देखो नेटवर्क डायग्राम हमने कंडक्शन में भी पढ़ा था और कन्वेक्शन में भी पढ़ा था, तो वो सिंपल था क्योंकि वो टेम्परेचर के बीच में होता है, बट हमारा रेडिएशन के टाइम में हमारा MSA पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के बीच में हमारा रेजिस्टेंस डायग्राम या फिर नेटवर्क डायग्राम बनता है। ठीक है, सो अगर मैं इसको देखो तो मैं लिख सकता हूँ Q1 = Q1 2 2 = -, इसके बराबर है Q2 के बराबर है। ठीक है, और देखो Q1 किसके बराबर है, Q1 है, देखो सबसे पहले Q2 की बात करते हैं। देखो Q2 किसके बराबर है, AB2 - J2 / देखो ये रेजिस्टेंस कौन सा है, ये है हमारा सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ ग्रे बॉडी, कितना होगा 1 - MACVD ऑफ द ग्रे बॉडी। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसको 2 के बदले इसको A रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बॉडी है दूसरी तो हमारी, अपॉन में A × MACVD। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ ग्रे बॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा स्पेस रेजिस्टेंस बिटवीन ग्रे एंड ब्लैक बॉडी, तो ये कितना होगा 1/A1F12 या फिर 1/A2F21। ठीक है, ये दोनों होगा रेसिप्रोसिटी के अकॉर्डिंग, हमारे दोनों क्या होंगे, बराबर ही होते हैं। ठीक है, अब देखो Q2 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, AB2 - J2 / the surface resistance of black body। देखो Q2 हमारा ये रहा, ये हमारा J2 और AB2 के बीच में, और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या हमारा ये रहा है ना, सो 1/ ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारा Q2 डॉट हो गया। ठीक है, हीट ट्रांसफर टू, नाउ Q1 डॉट की बात करते हैं। देखो अब Q1 में हमारा कोई स्पेस रेजिस्टेंस तो है नहीं, सॉरी सरफेस रेजिस्टेंस तो है नहीं, क्योंकि वो एक ब्लैक बॉडी है, तो हम इसके लिए सिंपली लिख देंगे कि अगर हमारी एक ब्लैक बॉडी है तो उसमें कितना इरेडियंस हो रहा है और कितना हमारा रेडियोसिटी होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा Q डॉट होता है। सो ये हो जाएगा हमारा J1 - G1, ठीक है, A1। ठीक है, इतना क्लियर है ना, अच्छा ये A2 होगा और ये भी A2 होगा। ठीक है, ना अब हम बात करते हैं Q1 to 2 की। देखो Q1 to 2 हमारा J1 and J2 के बीच में है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ J1 - J2 / 1/
A1F12 इज इक्वल टू 1/A2F21, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लो, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है ना। ये तो था हमारा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये और ये हमारे क्या है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट एक्चुअल में जो हमारा Q122 होगा, देखो जो हमें एक्चुअल में याद करना है, किसके बराबर होगा, EB1 - EB2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ द स्पेस रेजिस्टेंस एंड सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। नाउ A1F12 के बदले हम और A2F21 भी लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ रेसिप्रोसिटी रिलेशन, ठीक है। सो दिस इज Q122 एंड दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ देखो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम एक स्पेशल केस देखते हैं, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आप डिराइव कर पाते हो इट इज़ वेरी बेटर, वेरी गुड है, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, अगर आप इसको डिराइव कर पाओगे तो आपको कंसेप्ट आपका ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। रटने से फॉर्मूला अच्छा नहीं है, बेटर है टू मेक अ नेटवर्क डायग्राम एंड फर्दर सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। नाउ अब हम इसमें एक स्पेशल केस देखते हैं, स्पेशल केस ये है कि हमारा जो ब्लैक बॉडी है, अब की बार हम उसको क्या बोल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द ब्लैक बॉडी एज एन एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब मान लो ये हमारी एक ग्रे बॉडी है, ठीक है, ये हमारी एक ग्रे बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है, एमिसिविटी गिवन है और सरफेस एरिया ए है, ठीक है ना। अब ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर में है जिसका टेम्परेचर हमें टी इनफाइनाइट हमको गिवन है, ठीक है ना। सिंस हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द ब्लैक बॉडी एज, द एम्बियंट एज ब्लैक सरफेस, ठीक है, ये हमारा स्पेशल केस है। तो इसका मतलब जो एमिसिविटी होगी वो कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, ठीक है, इतना हमको क्लियर है ना। अब हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में अब हम एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रे बॉडी का, देखो हमारी ये ग्रे बॉडी है, ठीक है। तो ग्रे बॉडी का हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा सरफेस रेजिस्टेंस EB2 यहाँ जे आएगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या आएगा, ग्रे बॉडी और जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में स्पेस रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा E∞ = J∞, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, ये हमारा स्पेस रेजिस्टेंस है, तो ये होगा 1/AF, ठीक है। देखो ग्रे बॉडी को हमने G मान लेते हैं तो F∞ हो जाएगा, ठीक है। मान लो ग्रे बॉडी को हम 1 मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो EB1 J1, तो ये A1 और जो F1 infinite, ठीक है ना। और हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, व्हाट इज इट, जैसे सरफेस रेजिस्टेंस, ये कितना होगा 1/MACVT ऑफ ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय A1, ठीक है ना। जब मैं इसका Q122 लिखूंगा, ठीक है, देखो यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, अब हम टेम्परेचर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा T1 इज ग्रेटर देन एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है ना। यहाँ पर होगा हमारा Q1 dot, ठीक है, इधर होगा हमारा Q122 infinity और इधर की तरफ से आएगा हमारा Q∞, ठीक है। सो देखो स्पेशल केस जो हमारा है बिल्कुल सेम है हमारा, किसकी तरह, जो हमने लास्ट केस देखा था, बस इसमें ऐसा स्पेशल क्या है अभी हम देखेंगे। नाउ जब मैं Q122 infinity लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Q122 infinity इज इक्वल टू, देखो EB1 - EB2 डिवाइडेड बाई, अब देखो रेजिस्टेंस कौन कौन से आ रहे हैं, ये हमारा सरफेस रेजिस्टेंस हो गया फॉर ग्रे बॉडी और ये हमारा हो गया स्पेस रेजिस्टेंस बिटवीन द एम्बिएंट एंड द ग्रे बॉडी, ठीक है। सो अभी तक तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो और स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि देखो जो ये हमारा F1 infinity है, ये हमारा 1 के बराबर है ना, क्यों है 1 के बराबर, अगर हम मान लो ये हमारी बॉडी है तो इसमें से जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो खुद पे स्ट्राइक तो करेगी नहीं, और अगर ये बॉडी 1 है ये बॉडी इन्फिनिटी है तो F1 infinity will be equal to 1, ठीक है। सो Q12 infinity कैन बी रिटन एज σ T1⁴ - T2⁴, देखो ये एरिया और ये एरिया कॉमन है तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। ये हमारा F1 infinity 1 के बराबर है तो ये डिवाइड बाय किसके बराबर होगा, 1 - ठीक है। तो जब मैं इसको खोलूँगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये ऊपर आ जाएगा। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडिएशन हीट ट्रांसफर बिटवीन अ ग्रे बॉडी एंड द एनवायरनमेंट व्हेन एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कुछ दो तीन न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर वन ये कह रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल फार्नेंस है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल है ये, जिसमें हमको इसका डायमीटर गिवन है 5 मीटर, ठीक है। और देखो ये नीचे वाला जो सरफेस है इसकी हमको क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, इसको हम T1 बोल रहे हैं, 400 केल्विन, और इसकी एमिसिविटी गिवन है हमको 0.7, ठीक है। और जो ये हमारा डोम जैसा स्ट्रक्चर है इसका हमको टेम्परेचर T2 गिवन है 1000 केल्विन, और इसकी जो एमिसिविटी है इज इक्वल टू 1, मतलब हमारी क्या है, दिस इज ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। अभी के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इसको हम वन सर्फेस मान रहे हैं और ये सेकेंड सर्फेस है। क्वेश्चन हमको कह रहा है कैलकुलेट द नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है, बिटवीन द सर्फेस 1 एंड सर्फेस 2, ठीक है। सो Q12 निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेटवर्क डायग्राम बनाता हूँ, नेटवर्क डायग्राम देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमारा बॉडी 1 का सरफेस रेजिस्टेंस आएगा EB1 और J1 के बीच में, उसके बाद हमारा स्पेस रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। और सिंस सेकंड बॉडी हमारी ब्लैक बॉडी है तो EB2 इक्वल टू J2, ठीक है। नाउ दिस इज ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 1/A1F12 या फिर 1/A2F21, ठीक है। नाउ देयरफॉर इधर हमारा फ्लो करेगा Q1, ठीक है, इधर होगा Q1 to 2। देखो टेम्परेचर कौन सा हाई है, ऊपर वाला हाई है, तो ये इस डायरेक्शन होगी Q2 to 1, ठीक है। और ये होगा हमारा इधर से Q2, ठीक है। सो नेटवर्क डायग्राम हमने बना लिया, सो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। सो अब हम क्या लिखेंगे, Q1 to 2, ठीक है। देखो Q1 to 2 निकालो या Q2 to 1 निकालो, बात ही है, बस वो साइन चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। सो Q2 to 1 इज इक्वल टू EB2 - EB1 डिवाइडेड बाई 1/A1F12 प्लस, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको देखो F12 हमारा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा सरफेस 1 है जितनी ये रेडिएशन एमिट करेगा वो सारी की सारी 2 में जाके स्ट्राइक होंगी, है ना, जितनी भी रेडिएशन एमिट करेगा वो सारी की सारी 2 में जाके स्ट्राइक करेगी, वो खुद में स्ट्राइक तो करेगा नहीं। सो F12 कितने बराबर हो गया, F12 विल बी इक्वल टू 1, और देखो एरिया 1 जो A1 है वो कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर Q2 to 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं σT1⁴ - T2⁴ A1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/F12 हमारा 1 के बराबर है, -1/-1, ठीक है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और MAC बैठा वाला टर्म हमारा ऊपर आ गया, ठीक है। सो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा तो देयरफॉर हमारा Q221 इज इक्वल टू सिग्मा कितना है, 5.67 × 10⁻¹⁸, 5.67 × 10⁻¹⁸। टेम्परेचर हमको गिवन है टेम्परेचर 2 1 होगा, ठीक है। टेम्परेचर 2 है हमारा 1000 केल्विन -400⁴। नाउ ए वन कितना हमारा, देखो नीचे हमारा क्या होगा, πr² होगा, ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि हमारा वो सर्कल है। सो π/4d² डी कितना है, 5² ठीक है। और एमिसिविटी कितनी की मैंने हमको उसकी 0.7, ठीक है। सो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सो देयरफॉर Q221 विल बी इक्वल टू 7.594 × 10⁵ वाट, ठीक है, ये आंसर आएगा। सो किलो वाट में लिखेंगे 759.4 किलो, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं। सो अब हम देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 वेरी लॉन्ग लार्ज कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, ठीक है, हमारे पास 2 बड़े कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है ना। जो अंदर वाला सिलेंडर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लैक, ये हमारा क्या ब्लैक सरफेस है, और हमको इसका डाया गिवन है हमको 0.2 मीटर, और टेम्परेचर गिवन है 950 केल्विन, ठीक है। और जो हमारा सेकंड सिलेंडर है, मतलब बाहर का सिलेंडर, इसका हमको डायमीटर गिवन है 0.5 मीटर, ठीक है, टेम्परेचर इज 500 केल्विन, और इसकी एमिसिविटी कितनी है, 0.7, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखो यहाँ बीच में हमारा वैक्यूम है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर निकालो, कैलकुलेट दी नेट रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे रेजिस्टेंस डायग्राम, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब अंदर वाली हमारी ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी का सरफेस रेजिस्टेंस तो आएगा नहीं,
ठीक है, बट बाहर वाली हमारी ग्रे बॉडी है उसका पहले सरफेस रेजिस्टेंस आएगा, उसके बाद ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी के बीच में हमारा कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, हमारा स्पेस रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ई बी। देखो इस अंदर वाली सरफेस को हम मान लेते हैं वन और बाहर वाली को हम सेकेंड सरफेस मानते हैं, सो ई बी टू, ये होगा जे टू और ये होगा हमारा जे टू इक्वल टू ई बी वन जी वन। ठीक है, ना देखो यहाँ से हमारा हीट फ्लो करेगा, तब टेम्परेचर कौन सा बढ़ा है हमारा, टी टू बढ़ा है या फिर टी वन बढ़ा है, टी वन बढ़ा है। ठीक है, सो ये होगा हमारा क्यू वन टू टू। ठीक है, और इधर फ्लो करेगा हमारा क्यू टू। ठीक है, ना अब हमको क्या निकालना है, क्यू वन टू टू निकालना है, सो क्यू वन टू टू इज इक्वल टू कितना हो गया ई बी वन माइनस ई बी टू डिवाइड बाई, देखो ये वाला रेजिस्टेंस हमारा क्या है, सरफेस रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये हो जाएगा वन अपॉन ए वन एफ वन टू प्लस। ठीक है, नाउ देखो जो हमारा एफ वन टू है ये हमारा वन के बराबर है, क्यों, हमारा कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है, अंदर वाले को हम वन बोल रहे हैं बाहर वाले को टू बोल रहे हैं, तो हमारा एफ वन टू कितना होगा, वन के बराबर होगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, एफ वन टू को वन ले लेंगे। देखो ए वन क्या है हमारा, इसको हम कॉमन आउट ले लेंगे, तो हमारा होगा देयर फोर क्यू वन टू टू इज इक्वल टू सिग्मा टी वन टू द पावर फोर माइनस टी टू टू द पावर फोर ए वन डिवाइड बाय, देखो एफ वन टू वन के बराबर है तो वन प्लस ए वन बाई ए टू वन माइनस एमिसिविटी ऑफ अ ग्रे बॉडी ए टू, सॉरी ए टू तो हम बाहर ले लिया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देयर फोर क्यू वन टू टू इक्वल टू नौ सिग्मा कितना है, फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट, टेम्परेचर वन कितना है हमारा, क्वेश्चन हमको गिवन है 950 केल्विन, हाँ ठीक, तो जगह 950 केल्विन का पावर फोर माइनस 500 टू द पावर फोर। नाउ एरिया वन, ये हमारा क्या है, वेरी लॉन्ग कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है। ठीक है, सो हम क्या लेंगे इसका एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर सिलेंडर कितना होता है, टू पाई आर एल। ठीक है, सो ये कितना होगा, पाई डी, टू पाई आर है तो टू इंटू आर डाई हो गया, तो पाई डी एल डिवाइडेड बाई वन प्लस एरिया वन कितना होगा, पाई डी वन एल, और एरिया टू होगा पाई डी टू एल, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया एल से एल, तो ये होगा डी वन बाई डी टू। ठीक है, डी वन बाई डी टू वन माइनस एमिसिविटी ऑफ वो कितनी ग्रे बॉडी की, पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन। ठीक है, ना देखो अब हमको क्वेश्चन में ना एल नहीं गिवन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंस हमको क्वेश्चन में एल नहीं गिवन, तो हम एज्यूम कर लेंगे हमारा एल वन मीटर के बराबर है। ठीक है, सो जो हमारा क्यू वन टू टू आएगा इज इक्वल टू, देखो ये हम पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको एल को मैंने वन मीटर मान लिया। ठीक है, ये डाया वन है, डाया वन हमको गिवन है पॉइंट टू। ठीक है, तो मैं इधर ले दे रहा हूँ पॉइंट टू। ठीक है, और ये हमको गिवन है डाया वन पॉइंट टू, और डाया टू कितना गिवन है हमको पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव। ठीक है, सो मैंने इसको सॉल्व करा, जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 22.87 किलो वॉट्स, ऑफ दिस इज़ दी आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, बस इंपॉर्टेंस ये है कि हमको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना चाहिए, अगर हम एक बार रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना सीख गए सो द क्वेश्चन इज सिंपल। ठीक है, नाउ अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री में हमको गिवन है क्या, एक सेमी सिलेंडर गिवन है, मतलब कुछ ऐसी शेप का है वो। ठीक है, ना अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको जो नीचे वाला सरफेस है इसको हम सरफेस वन मान रहे हैं। ठीक है, सरफेस वन, और जो हमारा कर्व सरफेस है वो हमारा क्या है, सरफेस टू। ठीक है, ये वाले एरिया हम कंसिडर करना है, ये वाले एरिया हमारे कंसिडरेशन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या वेरी लॉन्ग है, हमारा बहुत लंबा है तो कंसिडर हम कर भी नहीं रहे, तो अगर हम इसको सामने से देखूँ तो हमारा कुछ ऐसा शेप आ रही है, ये हमारा सरफेस वन हो गया, ये हमारा सरफेस टू हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको टेम्परेचर टू गिवन है कितना, 650 केल्विन, और इसकी एमिसिविटी गिवन है हमको 0.4। ठीक है, जो सरफेस वन है उसका हमको टेम्परेचर निकालना है और एमिसिविटी वन है, तो एमिसिविटी वन का मतलब वो हमारी क्या है, ब्लैक बॉडी। ठीक है, और जो डायमीटर गिवन है हमको कितना, 1 मीटर गिवन है। ठीक है, सो देखो अब बार बार रेजिस्टेंस डायग्राम बनाना हमको आता ही है। ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला दे रहा हूँ, क्यू वन टू टू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 1200 वाट के बराबर, तो ये कितने के बराबर होगा, सिग्मा टी वन टू द पावर फोर माइनस टी टू टू द पावर फोर। अब इसका रेजिस्टेंस डायग्राम खुद बनाना और चेक करना कि जो रेजिस्टेंस डायग्राम की मदद से हम जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या है, सही है कि गलत। ठीक है, सो जब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूँगा तो देयरफॉर मेरा टी वन की वैल्यू आएगी, उससे पहले टी वन निकालने से पहले एक बार हम एरिया वन को देखते हैं, एरिया वन कितना होगा, ये देखो ये है हमारा पॉइंट वन, सॉरी ये हमारा वन मीटर है,
ठीक है। और देखो हमको लेंथ नहीं गिवन, सर ये हमारी हमको नहीं गिवन, तो हम एज्यूम कर लेंगे ये भी हमारा 1 मीटर है, ठीक है। सो हमारा A1 कितने में हो जाएगा, 1 into 1। अब एरिया 2 को देखो, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है। कितना होता है, 2πRH होता है हमारा सिलेंडर का, बट ये हमारा कितना है, सेमी सिलेंडर है, तो इस केस में हमारा πRH होगा, ठीक है। तो पाई रेडियस कितना है, 0.5, क्योंकि 1 मीटर इस डाया इंटू मैच हमने 1 लिया है, ठीक है। सो दिस इज द एरिया 2। सो जब मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूँगा तो हमारा आंसर आएगा देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 684.8 केल्विन, ठीक है। आप इसको चेक कर लेना, मेरा आंसर ही आ रहा है, ठीक है। वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।